एमएस होटल मामले पर अब राजनीति गरमाने लगी है। मामले में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा संभागायुक्त को पत्र लिखे जाने के बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम भी पहुंची और रेस्क्यू दल की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। एमएस होटल धाराशाही होने के बाद मलबे से घायलों और मृतकों को निकाले जाने की कार्यवाही पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा निगम को पुराने भवनों का मास्टर प्लान और ऑडिट करने की सलाह के साथ शासकीय विभागों में समन्वय एवं रेस्क्यू दल में विशेषज्ञों की कमी बताए जाने के बाद नगर निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने भी इसी मामले को लेकर निगम को घेरा है। मंगलवार को ही जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस दल के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह से मिली और उन्होंने सवाल किया कि इंदौर में रेस्क्यू दल के ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इस कार्य में एक्सपर्ट हैं, निगम उनके नाम बताएं और उस रात कौन कौन वहां मौजूद था। एक तो जिला दंडाधिकारी जांच करा रहे हैं, गोपाल सेठ टीम जांच के लिए आ रही है, नगर निगम भी जांच करा रही है, पुलिस अपनी जांच करा रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी वीक सब साथ एक सात दिन आठ दिन दस दिन में जांच रिपोर्ट। इस दौरान घटना की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम पर डालते हुए कहा कि इसके लिए निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े अधिकारी का नाम नहीं लेते हुए बीओ और बीआई को इसके लिए जिम्मेदार बताया। देखिए, यहाँ आके हमें बहुत आश्चर्य हुआ और दुख हुआ कि शहर इन बड़ी बड़ी घटनाओं से जूझने के लिए, या खुदा न करे अगर हमारे शहर में ऐसी आपदा आ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे पास ऐसे कोई रेस्क्यू ऑपरेटर या रेस्क्यू एक्सपर्ट नहीं है। और हमने जिस तरह से देखा कि गंगवाल बस स्टेशन पे मलबे के ऊपर चढ़ा चढ़ा कर इन्होंने जेसीपी से मलबा उठाना सबसे पहले ज़रूरी समझा, ना कि लोगों को उठाया, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे पहले भी हमने अनेकों शहरों में देखा है कि वहाँ पर बिल्डिंगें ढही और वहाँ पर दो दो तीन तीन दिन बाद मलबा उठा और वहाँ पर लोग जिंदा वापस बाहर आए। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने आज देवेंद्र सिंह जी से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, मलबा उठाना भी बहुत ज़रूरी था और ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, आप इतना बता दें कि रेस्क्यू टीम में यहाँ पर कौन एक्सपर्ट था। तो बोले इस टाइप की तो किसी के पास भी नगर निगम में डिग्री है नहीं और ना यहाँ पर वो लोग वहाँ पर मौजूद थे और आए हों तो मुझे पता नहीं। इन सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए और कुछ ऐसे जवाब दिए और ये भी माना उन्होंने कि वो जो बिल्डिंग थी वो अवैध एक फ्लोर की घोषित हो चुकी थी, उसके बाद जर्जर भी घोषित थी, पर हमने उसको रंग रोगन करते हुए देखा तो उसकी जांच करना हमने मुनासिब नहीं समझा। इस मामले में अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है, सात दिनों में रिपोर्ट दे दी जाएगी जिसके बाद घटना के कारणों का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर वे लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं जो घटनास्थल पर थे ही नहीं। निगम ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया है। नेक काम पर हमेशा सवाल उठते हैं भैया, है ना। नगर निगम ने नेक काम किया, भाग दौड़ के लोगों को जितना बचा सके उतना बचाया। अब ये गलत तरीके से कोई आरोप लगा रहा तो मैं क्या कर सकता। जाँच रिपोर्ट सबमिट करने से पहले मैं कोई चीज़ लीक नहीं करूँगा। अभी मैं बहुत सारे पहलुओं पर काम कर रहा हूं, बहुत सारी जानकारी जुटा रहा हूं, इसलिए जांच रिपोर्ट पर अभी कोई बात नहीं करूंगा। जांच रिपोर्ट समय पर दूंगा ये पक्का। हाँ, नौ बिल्डिंगों में जो आसपास खतरनाक हैं उनको खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए। मापदंड एक ही कि खतरनाक होना चाहिए, अगर वो खतरनाक है गिरने जैसी है वही मापदंड है और उसके लिए जो कंसर्निंग इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, वो तय करेंगे कि खतरनाक है। अगर वो खतरनाक है तो तोड़ दिया।